ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। अरे देखो देखो कौन आया, भड़वा आया भड़वा आया। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा। कैसे मेरी एबीजी आर्मी आई हो, आप सब मस्त चकाचक एकदम मजे में होंगे। तो यार स्वागत है आप सभी का हमारी एक न्यू फ्रेश वीडियो में। यार भाई लोग आप सभी को पता होगा कि अभी अपने गेम के अंदर अपना रैम्पेज इवेंट चल रहा है, और अपनी गेम के अंदर यार जब भी कोई इवेंट चलता है तो उस इवेंट में आप सभी को एक इवेंट जरूर देखने को मिलता है, और इस इवेंट का नाम है भाई लोग कॉल बैक इवेंट। भाई लोग हमेशा की तरह आप सभी को यहाँ पे जो अपना कॉल बैक इवेंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई अगर मैं आप सभी को कहूँ कि आप सभी को अपने कॉल बैक इवेंट के अंदर फ्री में डायमंड्स देखने को मिल सकते हैं। जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। अरे यार भाई लोग मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल बैक इवेंट के अंदर यार सच में यार फ्री में डायमंड्स मिल रहे हैं। अब अगर आपको इसके बारे में जानना है मेरे भाई तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा मेरे भाई। आ मेरी जान। और यार भाई लोग फाइनली आप सभी अगर अपने इंडियन सर्वर पे एक डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में यार आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम सभी को बताने वाला है कौन सा डिस्काउंट इवेंट यार तुमको अपने इंडियन सर्वर पे देखने को मिलेगा और क्या कुछ रिवॉर्ड तुमको मिलने वाले हैं वो आज के इस वीडियो में यार तुम्हारा भाई तुम सभी को बताने वाला है। यार भाई लोग आज की वीडियो लिटरली काफी ज्यादा खास एवं इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आज के इस वीडियो को ना बिना स्किप के एंड तक जरूर देख लेना। और भाई जो कोई यार बंदा अभी तक यार चैनल पे न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई, यार अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर लाइक करना कोई भूल गया तो यार लाइक वगैरह भी कर देना। ओके तो यार भाई लोग सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डिस्काउंट इवेंट के बारे में। आखिर इंडियन सर्वर पे आप सभी को कौन सा डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलने वाला है, क्या आप सभी को मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा, लकी व्हील देखने को मिलेगा, काफी सारे यार सवाल आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो फाइनली यार एक इवेंट जो कंफर्म हुआ है जो कि भाई काफी टाइम से इंडियन सर्वर पे नहीं आया भाई लोग, और भाई लोग इस तड़कते भड़कते इवेंट का नाम है भाई लोग वैल्यू पैक। और वैल्यू पैक में आपको क्या करना होता है कि आपको रिवॉर्ड सेलेक्ट करने पड़ते हैं भाई लोग। यहाँ पे 6 रिवॉर्ड आपको सेलेक्ट करने होते हैं भाई लोग, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्लिप पे, तो 6 रिवॉर्ड जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो अलग अलग ऑप्शन आप पे दिए जाएंगे और 6 रिवॉर्ड आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो भाई जैसे आप अपने रिवॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, उनका एक डायमंड का बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को मिलता है भाई लोग डिस्काउंट। तो आपको डिस्काउंट क्या मिलेगा भाई लोग, यहाँ पे आपको एक इस टाइप से होता है, पहले स्टार्टिंग में यही आप सभी को देखने को मिलेगा आपका लक। तो लक कितना डायमंड आता है भाई, 199 भी आ सकता है, 399 भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन जो सबसे कम रहता है वो रहता है 199। यानी कि 6 आइटम जो आप सेलेक्ट करोगे तो वो आप 200 डायमंड में ले सकते हो। लेकिन भाई यार यहाँ पे 200 डायमंड भी बहुत ज्यादा हो गए भाई लोग, मतलब कि अगर कोई ऐसा इवेंट आता जिसमें कि एक एक आइटम परचेस कर पाते तो अच्छी बात है, लेकिन भाई वैल्यू पैक में आपको यार एक बार ही मतलब 200 डायमंड लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास 200 से कम डायमंड है तो आप वैल्यू पैक से यार कुछ भी परचेस नहीं कर पाओगे। ये भगवान क्या जुलूम है। और भाई लोग इस इवेंट के यहाँ पे दो क्लिप निकल के आए भाई लोग। एक क्लिप जो मैंने आपको दिखाई उसमें आप सभी को अच्छे बंडल तो देखने को मिले बट इलिट पास देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी क्लिप है यहाँ पे आपको इलिट पास भी देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई जो बंडल है वो ज्यादा खास नहीं है और रिवॉर्ड्स भी ज्यादा खास नहीं है भाई लोग। तो यहाँ पे दो प्रकार के इवेंट है जो कि वैल्यू पैक है भाई लोग, अब दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब यार अगर आपको यार इलिट पास के साथ आएगा तो आपके सामने यार कुछ ऐसे आ जाएंगे, मतलब कि ज्यादा खास रिवॉर्ड्स नहीं आएंगे भाई लोग विद इलिट पास। अब बात करते हैं यार कि आप सभी को अपना इलिट पास इसमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पे क्या सीन होने वाला है भाई, जो अपना इवेंट इसका डेट फिक्स हुआ है यार 26 तारीख को, मतलब कि 26 जून को आ सकता है, फिक्स भी नहीं हुआ बोल सकते इसको, मतलब इसका जो है हल्का फुल्का 26 जून के लिए यार कंफर्म हो रखा है। लेकिन भाई अगर ये 26 से पहले आता है यानी कि 24 तक आ जाता तो आप सभी को अपना इलिट पास भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई लोग अगर 24 से पहले नहीं आता है तो भाई उसके बाद आप सभी को अपना इलिट पास डिस्काउंट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इलिट पास तुमको पता है भाई यहाँ पे 1 तारीख को चेंज हो जाता है। तो भाई ऑफिशियल सी बात है यार भाई 7 दिन का इवेंट रहना चाहिए, और अगर 24 से पहले यार ये इवेंट नहीं आता भाई तो आप सभी को 24 के बाद ही देखने को मिलेगा, तो भाई अपना जो इलिट पास है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। अब यार देखते यार गरेना वाले क्या सीन करते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो एक डिस्काउंट इवेंट इन्होंने फिक्स किया है भाई लोग। अब देखते हैं यार डिस्काउंट इवेंट में यार इलिट पास देते हैं या नहीं देते। यार बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यार आप सभी ने अपने गेम के अंदर एक चीज नोटिस करा होगा कि अपने गेम के अंदर यहाँ पे क्या है भाई लोग, न्यूज सेक्शन में एक चीज आया भाई लोग जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आप सभी को इस टाइप से। तो यहाँ पे भाई लोग जो अपना फ्री फायर है ना भाई लोग, यहाँ पे इसका जो लोगो आप देखोगे ना, मतलब जो ये फ्री फायर लिखा गया ना, इसका टैक्स आप सभी को बिल्कुल अलग देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब समझे दया नहीं फिर इसका मतलब मैं आप सभी को समझाता हूँ। जो यार अपना फ्री फायर है भाई लोग, हर ओबी अपडेट में अपना जो लोगो है उसको तो चेंज कर ही देता है, लेकिन फ्री फायर का जो मेन लोगो है भाई लोग, जो उसका टैक्स लोगो रहता है ना हर एक कंपनी का, तो भाई वो कभी मतलब चेंज नहीं करता है। लेकिन जो फ्री फायर का नॉर्मल फ्री फायर टैक्स है ना भाई लोग, यहाँ पे अभी फ्री फायर उन्होंने इसको अपडेट कर दिया और यहाँ पे न्यू टैक्स टाइप का यहाँ पे लिख दिया है फ्री फायर, मतलब कि अलग स्टाइल में फ्री फायर को लिख दिया गया है। लेकिन भाई लोग आप सभी ने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी भाई लोग, जो अपना फ्री फायर है अपने इंडिया में यार फरवरी का बैन हो चुका है, और अपनी गेम के अंदर अभी सिर्फ फ्री फायर मतलब इंडियन सर्वर पर सिर्फ फ्री फायर मैक्स चल रहा है,
लेकिन गरेना वालों ने ये पोस्टर अपने इंडियन सर्वर पे लॉन्च किया है भाई लोग। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि अपना जो फ्री फायर है भाई लोग कम बैक कर सकता है अपने इंडियन सर्वर पे। शायद इसका मतलब ऐसा हो सकता है भाई लोग, कन्फर्म मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि फ्री फायर तो अपने इंडियन सर्वर पे है नहीं, अपने इंडियन सर्वर पे भाई लोग फ्री फायर मैक्स और उसका पीला पीला या लोगो है। बाकी भाई अपना जो फ्री फायर है भाई लोग इसका लोगो चेंज होकर अगर आ रहा है तो हो सकता है अपना जो फ्री फायर है ना अपने इंडियन सर्वर पे आप सभी को वापस देखने को मिल जाए। और भाई लोग गरेना वालों ने यहाँ पे जो ये डाला है पोस्टर तो यहाँ पे बैटल इन स्टाइल का लोगो भी डाला है। मतलब कि बैटल इन स्टाइल इवेंट के अंदर ये होने वाला है। और बैटल इन स्टाइल इवेंट कब आएगा भाई लोग आपको पता है, रैंपेज के बाद आने वाला है। और अपने गेम के अंदर एक मिनी अपडेट भी देखने को मिलने वाला है भाई लोग। मतलब कि आप सभी को एक अपडेट देखने को मिलेगा जो छोटा सा अपडेट रहेगा और अपना जो लोडिंग स्क्रीन चेंज हो जाएगा भाई लोग। और लोडिंग स्क्रीन के साथ सारे लॉबी वगैरह सब चेंज हो ही जाता है इवेंट का। फिर बाकी यार गरेना वालों ने अपनी ऑफिशियल साइट पर भी लिखा है कि हम फ्री फायर का लोगो चेंज करने वाले। अब इसका मतलब यार पूरी तरह भाई मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, हो सकता है फ्री फायर कम बैक करे तो भाई काफी अच्छी बात रहेगी। तो भाई मतलब काफी सारे बंदे ऐसे जो कि लोड डिवाइस में यार नहीं खेल पाते फ्री फायर मैक्स को अच्छे से, तो उनके यार मजे होने वाले, वो भी अब यार अपने फ्री फायर को खेल पाएंगे फिर से यार अपनी मतलब पुरानी यादें यार एकदम ताजा हो जाएंगे भाई लोग, मजा आ जाएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और यार ये मजा जो है तभी आएगा जब अपना जो फ्री फायर है अपने इंडियन सर्वर पे कम बैक करे, अपने इंडियन सर्वर पे दोबारा से फ्री फायर आ जाए। क्योंकि यार 5 से 6 महीने होने वाले अपने फ्री फायर को गए हुए और अभी तक यार अपने इंडियन सर्वर पे मतलब लापता यार आए नहीं वापस। तो भाई हो सकता है यार गरेना वाले यार 4-5 महीने से लगे पड़े हों कुछ जुगाड़ में, तो भाई क्या पता फाइनली इनको जुगाड़ मिल गया होगा भाई लोग। अब देखते यार क्या अपना फ्री फायर सच में वापस आता है। लेकिन यार अगर वापस आएगा तो भाई इसका मतलब बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करेगा पहले गरेना, तभी यार फ्री फायर आएगा। क्योंकि भाई इसका भी प्री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा अगर यार दोबारा से आता है। बाकी अभी इसका जो है कुछ कंफर्म नहीं है कि वापस आता है या नहीं आता। फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और जो अपनी नेक्स्ट अपडेट होने वाली है कॉलबैक इवेंट के बारे में होने वाली है। अभी के टाइम पे अगर आप जो अपने इंडियन सर्वर पे अपने रैंपेज इवेंट का जो कैलेंडर है ना उसको झांकोगे फिर आप सभी को पूरे कैलेंडर में कहीं पे भी कॉलबैक इवेंट का मतलब यहां पे देखने को मिलेगा ही नहीं भाई लोग। यहां पे कॉलबैक इवेंट का कुछ भी इन्होंने यहां पे नहीं डाला है भाई लोग अपने इवेंट के कैलेंडर के अंदर में। लेकिन भाई लोग बहुत सारे सर्वर के यार इवेंट कैलेंडर पे ही कॉलबैक इवेंट डाला गया और कॉलबैक इवेंट में भाई लोग वहां पे डायमंड्स भी मिलने वाले हैं। अभी आपको यार यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे, लेकिन अभी मैं आप सभी को यहाँ पे कैलेंडर दिखाने वाला हूँ और कॉलबैक इवेंट के रिवॉर्ड्स भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई ये वाला कैलेंडर एक सर्वर का, यहाँ पे देखो आप ध्यान से आप देखोगे ना यहाँ पे फ्रेंड्स कॉलबैक का 25 से 30 जून के बीच में इवेंट है। और रिवॉर्ड्स देखो एक यहाँ पे लूट बॉक्स दिया जा रहा है भाई लोग और एक क्रेट दिया जा रहा है जिसमें कि यहाँ पे 20,000 तक डायमंड मिल सकते हैं। दो में कम बोल रहा था, यहाँ पे 20,000 डायमंड तक यहाँ पे मिल सकते हैं भाई लोग। मतलब क्या ही बोल सकते यार, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये हो सकता नहीं भाई लोग, ये हो रहा है भाई लोग। और यहाँ पे मतलब कि एक सर्वर पे नहीं यहाँ पे 2-3 सर्वर पे यार ये इवेंट आने वाला जहाँ पे कि कॉलबैक इवेंट में भाई लोग एक बॉक्स मिलने वाला है जिसमें कि यहाँ पे 20,000 तक डायमंड्स मिल सकते हैं भाई लोग। और अभी यार अपने इंडियन सर्वर का जो कॉलबैक इवेंट है ना ये भी पूरी तरह से यार फिक्स है नहीं यार, कैलेंडर पे कॉलबैक इवेंट नहीं है बट यार हर इवेंट में कॉलबैक इवेंट भी आता है। तो आपको यार अपने इंडियन सर्वर पे भी 90% ये है कि कन्फर्म है कि कॉलबैक इवेंट देखने को मिलेगा। अब लेकिन कॉलबैक इवेंट के यार रिवॉर्ड्स भी अपने इंडियन सर्वर पे कन्फर्म नहीं है भाई लोग। हो सकता है यार गरेना वाले अपने इंडियन सर्वर पे भी आप सभी को देखने को मिल जाए बट यार मेरे को गरेना वालों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है क्योंकि भाई ये हर बार यार अपने इंडियन सर्वर पे नाइंसाफी करते हैं यार। दूसरे सर्वर पे ना इतने ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं लेकिन जब अपने इंडियन सर्वर की बारी आती है तो यहाँ पे ये हक देते हैं। अब देखते हैं यार अपना जो कॉलबैक इवेंट अपने इंडियन सर्वर पे आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि 25 तारीख तक ही इसका सारी डेट है। तो 25 तारीख तक हो सकता है अपने इंडियन सर्वर पे भी आपको कॉलबैक इवेंट देखने को मिले। अब रिवॉर्ड्स देखते हैं यार गरेना वाले क्या करते हैं, नाइंसाफी करते हैं अपने इंडियन सर्वर के साथ या मतलब यही रिवॉर्ड दे देते हैं। तुम्हारा भाई अपनी हर वीडियो में यार तुम्हारे लिए कुछ न्यू लाने का ट्राई करता है तो यार आप लोग यार सपोर्ट किया करो यार, लाइक और सब्सक्राइब यार किया करो भाई लोग। बाकी यार आज किस वीडियो में यार इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद दोस्तों।